मैं इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ। हाँ गाइस, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से 2 दिन पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर 95 के सब्सक्राइबर का माइलस्टोन कंप्लीट हो चुका था। तो बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग यार इतना प्यार दिखा रहे हो, इतना प्यार अपने भाई को कर रहे हो, तो बहुत बहुत लव यू यार। बस ऐसे ही आप अपना प्यार और सपोर्ट मुझे देते रहिए, क्योंकि आपके भाई को बहुत आगे तक जाना है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर। तो हे गाइज, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू न्यू अनदर क्रिएटिव वीडियो। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग कुछ इस टाइप की ट्रेंडिंग शायरी वीडियो कैसे बना सकते हो। बिकॉज आप लोगों ने देखा होगा अभी के टाइम पर इंस्टाग्राम रील्स में इस टाइप की वीडियो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है। तो वैसे तो मैंने इस टाइप की ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर 2-3 वीडियोज़ अपलोड कर रखी है, बट ये वीडियो उन वीडियो से थोड़ा अलग होने वाला है। अब मुझे आप ये बोलोगे कि भाई अलग क्या होगा, तो अलग मैं आपको बताऊंगा अलग क्या होगा। मैंने उस वीडियो के अंदर सिर्फ आपको बताया कि आप शायरी वीडियो कैसे बना सकते हो, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोग शायरी के साथ अपने फोटो को भी कैसे ऐड कर सकते हो। बिकॉज मैंने देखा है अभी के टाइम पर के साथ ऊपर की साइड फोटो ऐड कर रहे हैं, वो वीडियो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है। इस टाइप की शायरी वीडियो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है, तो अगर आप लोग भी इस टाइप की शायरी वीडियो करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहना। बिकॉज आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बिकॉज गाइस, आप लोगों का एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। चलिए अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। ओके, तो सबसे पहले गाइस, आप लोगों को वीडियो एडिटिंग करने के लिए हम दो एप्लीकेशन का यूज़ करने वाले हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारा एलेट मोशन होगा एंड सेकंड एप्लीकेशन होगा पिक्सल ऐड। ठीक है, आप लोगों को पता होगा पिक्सल ऐड एंड एलेट मोशन काफ़ी एडिटिंग एप्लीकेशन है, बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लोग प्ले स्टोर से जाके इन एप्लीकेशन को ईजिली से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज, यहाँ पर आपको करना क्या होगा, आप लोगों को पिक्सल ऐड एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। ठीक है गाइज, तो जैसे ही आप पिक्सल ऐड एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, अब गाइज आपके सामने कुछ इस टाइप का यहाँ पर आप लोगों को इसका इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर ऊपर की साइड आप लोगों को 3 डॉट पर टैप कर लेना होगा एंड यहाँ पर आपको इमेज साइज में चले जाना होगा। एंड इमेज साइज में जाने के बाद जहाँ पर ये 1280 लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोगों को 9 आपको लिख देना होगा। एंड जहाँ पर 1280 यहाँ पर भी इसको हटा देना होगा, इसको डिलीट करना होगा। एंड यहाँ पर आप लोगों को 16 यहाँ पर आप लोगों को 16 सेलेक्ट कर देना होगा। उसके बाद ओके पर टैप करना होगा। तो जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे, अब देख सकते हो आपका जो यहाँ पर रेशियो है वो कुछ स्टेप से फुल स्क्रीन वाला निकल कर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जहाँ पर अब करना क्या होगा, अब ऊपर की साइड आप लोगों को एक प्लस वाला आइकन दिख रहा होगा, प्लस से का दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर प्लस पर टैप कर लेना होगा। ठीक है गाइज, आपको यहाँ पर प्लस पर टैप करना होगा एंड फ्रॉम गैलरी पर चले जाना होगा। ठीक है, तो जैसे आप फ्रॉम गैलरी में जाएंगे, आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपका गैलरी ओपन हो जाएगी। तो जो भी अब यहाँ पर आप लोग अपनी वीडियो को शायरी वीडियो के अंदर फोटो यूज़ करना चाहते हैं, आप लोगों को अपने फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर अभी के टाइम पर कोई भी अपना एक फोटो ले लेता हूँ। ठीक है, समथिंग मुझे ये फोटो ऐड कर लेना होगा। तो फोटो को ऐड करने के लिए सबसे पहले इसको क्रॉप कर लेना होगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, अपने हिसाब से भी आप क्रॉप कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपको करना क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर आपको ओके पर टैप कर लेना होगा। तो देख सकते हो आपका फोटो यहाँ पर कुछ इस टाइप से ये ऐड हो जाएगा। एंड फोटो को ऐड करने के बाद कुछ इस टाइप से जितना बड़ा आप लोग इसकी रखना चाहते हैं, इतना आप इसके साइज़ वगैरह को कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर करना क्या होगा, उसके बाद नीचे साइड यहाँ से आप लोगों को इस पर टैप करना होगा। एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्ट्रोक का। तो स्ट्रोक कलर अगर आप कोई और वाइट कलर या रेड कलर या वाइट कलर जो भी आप ऐड करना चाहते हैं इसमें स्ट्रोक कलर, वो आप लोग ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो अभी के टाइम पर यहाँ पर मैं ब्लैक कलर स्ट्रोक ब्लैक कलर ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद जहाँ पर लिखा है न्यू टेक्स्ट, तो आपको उस पर टैप करना होगा। एंड नीचे साइड यहाँ पर आपको ए दिख रहा है, तो ए पर टैप करना होगा। एंड यहाँ पर आपको ए यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेना होगा। ठीक है, तो जैसे आप ए पर टैप करेंगे, अब आपको एडिट पर टैप करना होगा। तो देखते हो यहाँ पर आपकी अब यहाँ पर आप लोगों को अपनी शायरी वगैरह को लिख लेना होगा। जो भी एटीट्यूड वगैरह शायरी आप लिखना चाहते हैं या जो भी आप शायरी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब आप मुझे ये बोलोगे कि भाई शायरी हम कहाँ से लें, तो यार शायरी गूगल बाबा है ना, आप जितना चाहो शायरी ले सकते हो। गूगल पर सर्च कर लेना जाके, वहाँ पर एटीट्यूड शायरी या मोटिवेशनल शायरी, जिस भी तरीके की आपको शायरी चाहिए वहाँ पर आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आपके सामने काफ़ी ज़्यादा शायरी देखने को मिलेगी। तो वहाँ पर करना क्या होगा, वहाँ से आपको कॉपी कर लेना होगा। एंड कॉपी करने के बाद यहाँ डायरेक्टली जाके आप लोगों को पेस्ट कर देना होगा। तो देखते हो मैंने भी वहाँ से ये इस शायरी को कॉपी किया था एंड यहाँ पर आपके सामने ये कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद अब ओके पर टैप कर लेना होगा। एंड ओके पर टैप करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस टाइप से इसको कर लेना होगा। ठीक है, इस टाइप से करने के बाद अब इसको यहाँ पर कुछ इस टाइप से 2 लाइन में आप लोगों को करना होगा। इसको करने के बाद अब नीचे साइड यहाँ से आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फॉन्ट का।
तो आपको फॉन्ट पर टैप कर लेना होगा। तो जैसे आप फॉन्ट पर टैप करेंगे, अब आप देखते हो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फॉन्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी आप लोग इनमें से कोई फॉन्ट ऐड करना चाहते हैं तो इनमें से भी आप लोग फॉन्ट वगैरह को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छे अच्छे फॉन्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर करना क्या होगा, जहाँ पर भी आप इसको ऐड वगैरह करना चाहते हैं वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। एंड जो भी ये इमेज वगैरह को आप जहाँ पर रखना चाहते हैं इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग इसको एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद गाइज अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा, फिर से आप लोगों को प्लस पर टैप करना होगा। एंड यहाँ पर ये देखते हो कुछ स्टेप्स यहाँ पर ये टेक्स्ट निकल कर आ जाएगा। अब एडिट पर जाना होगा। एडिट पर जाने के बाद अब जो भी यहाँ पर आप लोग इमोजी वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो इमोजी वगैरह भी कुछ स्टेप से आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इमोजी को ऐड करने के बाद जहाँ पर भी आप इसको इमोजी को लगाना चाहते हैं वहाँ पर आप लोगों को इसको सेलेक्ट कर लेना होगा। एंड जो हमने यहाँ पर ये शायरी लिखी है इसका कलर गाइज आप लोगों को ब्लैक कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर देना होगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारा वाइट बैकग्राउंड तो वाइट होगा एंड ये जो हमारा शायरी टेक्स्ट का कलर है ये ब्लैक हो जाएगा तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा बेहतर लगेगा देखने के लिए। तो फाइनली अब हमारा सारा काम तो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ पर टैप करना होगा एंड यहाँ से आपको ट्रांसपेरेंट कर लेना होगा। तो देखते हुए कुछ स्टेप से यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब आप लोगों को करना क्या होगा, अब यहाँ पर आपको टैप करना होगा एंड यहाँ पर आपको सेव एज इमेज पर क्लिक कर लेना होगा। एंड जहाँ पर पीएनजी है वहाँ पर आपको पीएनजी रहने देना होगा। एंड जहाँ पर ये कस्टम है कस्टम पर क्लिक करके आपको अल्ट्रा सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। अल्ट्रा को सेलेक्ट करने के बाद सेव टू गैलरी पर क्लिक कर लेना होगा। तो जैसे कि आप सेव टू गैलरी पर क्लिक करेंगे ये इमेज हमारी गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर करना क्या होगा, अब यहां पर आप लोगों को अपने एलेट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा, ठीक है गाइज। अगर आपके पास एलेट मोशन एप्लीकेशन नहीं है, मैंने आपको बता दिया, आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फाइनली गाइज हमारा यहाँ पर एलेट मोशन एप्लीकेशन भी ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पर टैप करना होगा एंड यहाँ से आप लोगों को 9:16 की रेशो आप लोगों को सेलेक्ट कर ली होगी। उसके बाद बैकग्राउंड को आपको व्हाइट कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको क्रिएट पर क्लिक कर लेना होगा, प्लस पर टैप करना होगा, मीडिया में चले जाना होगा। मीडिया में जाने के बाद जो हमने यहाँ पर शायरी को अभी अपनी इमेज को यहाँ पर ऐड किया था तो आप लोगों को उस इमेज को यहाँ पर ऐड कर लेना होगा, ठीक है। तो फाइनली हमारे यहाँ पर इमेज आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर करना क्या होगा, इसके लेंथ को यहाँ पर आपको समथिंग 6 या 7 सेकंड तक आप लोगों को कर लेना होगा। यानी कि मैं आपको 6-7 सेकंड तक बोल रहा हूँ तो आप लोगों को 6 या 7 सेकंड तक ही रख लेना होगा। आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं कि कितना बड़ा आप लोग अपनी वीडियो को क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि कितना बड़ा आप अपनी वीडियो को बनाना चाहते हैं उतने हिसाब से आप इसकी लेंथ को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर करना क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड आप लोगों को इसकी फोटो के लेयर पर क्लिक कर देना होगा। एंड नीचे की साइड यहाँ से आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इफेक्ट्स का, तो आपको इफेक्ट्स पर टैप करना होगा एंड यहाँ पर आपको ऐड इफेक्ट पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो जैसे आप ऐड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे आप देखते हो आपका कुछ स्टेप्स यहाँ पर आपको सामने काफ़ी अच्छे अच्छे इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको सर्च ब्राउजर में आ जाना होगा एंड यहाँ पर आपको सर्च ब्राउजर में आपको एक इफेक्ट को सर्च कर लेना होगा। इस इफेक्ट का नेम है वेव वॉर्प, ठीक है। तो ये देखते हो ये इफेक्ट कुछ स्टेप से आ जाएगा। उसको ऐड करने के बाद अब स्टैंडर्ड सेटिंग पर टैप कर लेना होगा। तो जैसे आप सेटिंग पर टाइप करेंगे अब आप देखते हो कुछ स्टेप से ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इफेक्ट को ऐड कर लेना होगा, ठीक है। तो अब करना क्या होगा, अब थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर करना क्या होगा, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा फेज, उसको सबसे पहले आपको इस इमेज के स्टार्टिंग में आपको आना होगा। स्टार्टिंग में आने के बाद प्लस पर टैप कर लेना होगा, ठीक है। तो प्लस पर टैप करने के बाद इसको यहाँ पर करना क्या होगा, इसको समथिंग यहाँ पर आपको रखना है आपको इसको 2, ठीक है गाइज। इसको यहाँ पर आपको कम से कम 2 रखना है एंड 2 रखने के बाद अब बिल्कुल आपको लास्ट तक चले जाना होगा। लास्ट तक जाने के बाद यहाँ पर आपको फिर से प्लस पर टैप करना होगा। प्लस पर टैप करने के बाद इसको समथिंग यहाँ आपको रखना है, इसको समथिंग आपको 1 रखना है। तो देखते हो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। इसको 1 रखना होगा। तो देखते हो ये कुछ इस टाइप से आपका वीडियो थोड़ा इस टाइप से एंगल से में हो जाएगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा नीचे की साइड एंगल, तो आपको एंगल के साथ कोई छिड़कानी नहीं करनी। लेकिन अब देखने को मिलेगा आपको स्पेसिंग, तो आपको स्पेसिंग पर आना होगा एंड स्पेसिंग पर आने के बाद इसको समथिंग आपको 4 रखना होगा, ठीक है गाइज। 4 या 2 आपको कुछ रखना होगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको समथिंग आपको 2.21 या कुछ स्टेप से रख लेना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे साइड देखने को मिलेगा मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड पर आपको आना होगा एंड मैग्नीट्यूड पर आने के बाद इसको भी आपको थोड़ा माइनस करना होगा। इसको समथिंग आपको 2.4 या 2.5 आपको रख लेना होगा। तो मैं आपको एक बार ये वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देखते हो आपका वीडियो कुछ स्टेप से यहाँ पर बन चुका है एंड देखने में काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो इस टाइप से गाइज आप लोग अपनी वीडियो को यहाँ पर बना सकते हो। गाइज अगर आप इसमें ऑडियो वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो ऑडियो को ऐड करने के लिए यहाँ से आपको प्लस वाले आइकन पर टैप कर लेना होगा एंड यहाँ पर आपको मीडिया में चले जाना होगा। तो मीडिया में जाने के बाद यहाँ पर आप कोई अगर कोई वीडियो में से ऑडियो निकालना चाहते हैं तो आप लोगों को कोई एक वीडियो को ऐड कर लेना होगा। तो जैसा कि मैं यहाँ पर अभी के टाइम पर कोई एक वीडियो को ऐड कर लेता हूँ।
तो फाइनली गाइज मैंने यहाँ पर एक वीडियो को सेलेक्ट कर दिया है, तो फाइनली मेरा वीडियो यहाँ पर ऐड हो चुका है। एंड वीडियो को लेने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर हेड डॉट पर टैप कर लेना होगा एंड यहाँ पर आपको एक्सेक्ट ऑडियो पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप एक्सेक्ट ऑडियो पर क्लिक करेंगे आप देखते हो ये वीडियो, इसका जो वीडियो का ऑडियो था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अलग हो जाएगा, निकल चुका है। अब हमें तो इस वीडियो को कुछ काम नहीं है, तो वीडियो पर टैप करना होगा एंड इसको यहाँ से आप लोगों को डिलीट कर देना होगा। तो फाइनली हमारी यहाँ पर वीडियो बन चुकी है। आप देखते हो यार वीडियो कितना कमाल का लग रहा है। तो इस टाइप से गाइज आप लोग यहाँ पर वीडियो बना सकते हो। गाइज अगर आप एक इफेक्ट और ऐड कर लेते हैं हम इसमें, तो उस इफेक्ट को ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको इफेक्ट्स में जाना होगा, फिर आपको ऐड इफेक्ट पर क्लिक कर लेना होगा एंड यहाँ पर आपको सेकंड इफेक्ट देखने को मिलेगा। इस इफेक्ट का नेम है होशन ब्लर, तो आपको इसको टैप करना होगा, स्टैंडर्ड सेटिंग पर टैप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना होगा स्टार्टिंग में आने के बाद। स्टार्टिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको इसको कुछ स्टेप्स यहाँ पर समथिंग आपको 400 या 500 के समथिंग आपको रख लेना होगा, इसको 400 या 500 आपको रख लेना होगा। उसके बाद जहाँ तक आप अपनी वीडियो के अंदर कलर रखना चाहते हैं वहाँ पर आपको आना होगा। जैसे कि मैं अपनी वीडियो के अंदर समथिंग कलर यहाँ तक रखना चाहता हूँ, उसके बाद प्लस पर टैप करना होगा एंड इसको बिल्कुल आपको माइनस कर देना होगा। तो देखते हो आपकी वीडियो के अंदर कुछ इस टाइप है, इस तरीके से स्टार्टिंग में तो कलर आएगा जो कि देखने में क्वेश्चन ब्लर काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्टार्टिंग में देखते हो आपकी वीडियो के अंदर कुछ स्टेप्स यहाँ पर कलर आएगा, देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो फाइनली हमारा वीडियो तो यहाँ पर बन चुका है। और गाइस अगर आप ये वीडियो अपनी गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो वीडियो को सेव करने के लिए यहाँ से आपको इस पर टैप करना होगा एंड एक्सपोर्ट पर टैप कर देना होगा। तो जैसे आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे ये वीडियो आपके गैलरी में सेव होने लगेगा और ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मुझे आपके साथ यही शेयर करना था। मैं मिलता हूं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।